नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ करंट अफेयर और जनरल स्टडीज के उन क्वेश्चन की जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए करना होगा आपको बेल आइकन को प्रेस। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में वीडियो की काफी और वीडियो है जो कि आप रिवाइज कर सकते हैं अपने स्टडी की प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जिस किसी सोशल मीडिया को यूज करते हैं उस प्लेस पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए यूज करना है और साथ ही साथ आपको आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखना है और लास्ट में आपको अपना स्कोर मेंशन करना है कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही दे रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग वल्बोकिया। वल्बोकिया के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है और नीचे आपके पास ये सेकेंड स्टेटमेंट है। तो वल्बोकिया के बारे में जो फर्स्ट स्टेटमेंट में इसमें आपको बताया जा रहा है, इट इज द नेचुरल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंसेक्ट स्पीसीज, यानी कि जितने भी इंसेक्ट स्पीसीज होते हैं उनके अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है नेचुरली। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग डेंगू, यानी कि इस बैक्टीरिया का जो यूज किया जाता है डेंगू को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए आपके पास। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर इन सब कोड को यूज करते हुए। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट में, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन बी की, इसमें बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉर टू, इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि वल्बोकिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक तरह से बैक्टीरिया होता है जो कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं जो हमारे एनवायरमेंट के आसपास होते हैं उसमें ऑलमोस्ट 60% इंसेक्ट में ये पाया जाता है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जितने भी इंसेक्ट छोटे मोटे कीट पतंगे होती है उनके अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है और साथ ही साथ जो मॉस्किटोज होते हैं यानी जो मच्छर होते हैं उनके अंदर भी ये इंक्लूड होता है। ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जिसके अंदर ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर ये एडीस, ठीक है, एडीस और ये कुछ और मॉस्किटो है जिसके अंदर ये नहीं भी पाया जाता है। अगर हम बात करें ये जो बैक्टीरिया का, ये ह्यूमन बींग के लिए यानी कि हमारे लिए काफी सेफ है, यानी कि हमें इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ना ही जानवरों को इससे कोई नुकसान पहुंचता इस बैक्टीरिया से। साथ ही साथ ये इन्वायरमेंट को भी किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट आपसे जो बोला गया था कि भाई ये जो बैक्टीरिया है ये डेंगू को कंट्रोल करने के लिए यूज किया, इसे यानी कि आप ये बोल सकते हैं जो वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत इस बैक्टीरिया का यूज किया जा रहा है रिसर्चर के द्वारा कि भी किस तरह से इस बैक्टीरिया को यूज करके डेंगू जैसी बीमारी को डील कर सके, उसे टैकल कर सके और उसे लोगों का बचाव कर सके। तो इंडोनेशिया के अंदर एक सिटी है योगकात्रा, तो उस सिटी के अंदर इस तरह का रिसर्च किया जा रहा है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट भी और स्टेटमेंट सेकंड भी दोनों आपके लिए करेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी काउंसिल, विच ऑफ द स्टेटमेंट, जो भी आपको ये स्टेटमेंट गिवन है इसके अंदर आपको बताना है कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट सही नहीं, आपसे गलत स्टेटमेंट क्या है ये बताना है जीएसटी के बारे में, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में आपको ध्यान में रखते हुए आपने ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं उसके अंदर है क्या। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इज स्टैचुरी बॉडी। स्टैचुरी बॉडी क्या होती है, अगर ये टर्म आपको क्लियर है तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो गवर्नर होते हैं वो इसको इसके जो हेड होते हैं इस काउंसिल की। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास, आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग
फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या है, यानी कि आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको जो चूज करना है वो नॉट करेक्ट चूज करना है, ठीक है, यानी कि आपको जो गलत स्टेटमेंट जो होगा आपका वो आंसर होगा। तो यहां पे इस चीज को ध्यान में रखते हुए करना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, कि यानी कि ए ऑप्शन का मतलब है कि भाई ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट वाला ही गलत है, ठीक है, सेकंड में सेकंड वाला ही गलत, यानी कि अपोजिट आपको सोचना है इसके बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब यह हुआ कि ये दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। और आपसे यही बोला गया था कि आपको गलत स्टेटमेंट बताना था, ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे आपसे, जैसे एक बार क्वेश्चन को देखिए दोबारा, तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आपसे ये बोला गया था कि आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो आइडेंटिफाई करना है। ये देखिए वर्ड एक नॉट, ठीक है, और यहां पे आपके पास जो ए ऑप्शन था इसमें भी ओनली वन, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। बी का मतलब यहां पे ये है ओनली टू, ठीक है, उसके बाद सिमिलरली आप बोल सकते हो सी का मतलब है बोथ वन एंड टू, यानी कि ये दोनों। तो यहां टिक का मतलब यहां पे मैंने सही ये बोला था कि आपको ध्यान में रखना है नोट के अकॉर्डिंग, यानी कि इसको रिवर्स कर लेना है, ठीक है। तो इसके यहां पे जो दोनों स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको दोनों स्टेटमेंट गलत दे रखे हैं। अब गलत क्यों दे रखे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अगर हम बात करें, इसके रिलेटेड जो काउंसिल है ये स्टैचुरी बॉडी ना होकर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें अमेंडमेंट करके आर्टिकल 279(9)(a) के अंदर इसे ऐड किया गया है, यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो हमारा गलत हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, इसमें आपसे बोला गया था कि जो आरबीआई होता है, आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो इसका हेड होता है, नहीं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। बल्कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है हमारी कंट्री के अंदर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो इसका हेड होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। बाकी और जो मेंबर की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में यूनियन स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं रिवेन्यू और फाइनेंस डिपार्टमेंट के, ठीक है, वो इसके और दूसरे मेंबर होते हैं। इसके अलावा फाइनेंस और टैक्सेशन के जो मिनिस्टर होते हैं वो भी इसके एक मेंबर होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी का मतलब यहां पे ये कि आपको गलत आंसर चूज करना था, दोनों ही आंसर स्टेटमेंट आपके लिए ना गलत थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी कि अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है हमारी कंट्री का जो पार्ट है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स, यानी कि ट्राइब ग्रुप जो वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके पास ये ट्राइब्स गिवन है, पहले ट्राइब्स को हम लोग देखेंगे, उसके बाद आपने चूज करना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ट्राइब जो आपको गिवन है वो है जरावा, सेकेंड ट्राइब है ओगेंस, और थर्ड ट्राइब जो है सोपेंस, और फोर्थ ट्राइब जो आपके पास है नॉर्थ सेंटिनेंस, और फिफ्थ ट्राइब जो आपके पास है जुयांग, और सिक्स ट्राइब है आपके पास कोयास। तो ये छह ट्राइब है, ट्राइब यानी कि जनजाति है आपके पास, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप यानी कि पीवीटीजी कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। तो आपको चूज करना है जो अंडमान से बिलोंग करती है उसे चूज करना है। तो आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से है, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो ट्राइब है ये बिलोंग करती है अंडमान निकोबार से, और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो ट्राइब है ये बिलोंग करती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। उसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो है वो बिलोंग करती है अंडमान निकोबार आइलैंड से, और लास्ट ऑप्शन जो डी है उसके अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ये जो ट्राइब्स है ये बिलोंग करती है अंडमान और निकोबार आइलैंड से। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है आपका इसमें बी। बी का मतलब ये है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ये जो चार ट्राइब्स जो आपको गिवन है ये बिलोंग करती है अंडमान और निकोबार आइलैंड से, यानी कि जो फिफ्थ को बात कर ले और सिक्स की बात कर ले ये अंडमान निकोबार से बिलोंग नहीं करती है। यानी कि पहली जो चार जो ट्राइब्स गिवन है यानी कि जरावा ओगेंस सोपेंस और नॉर्थ सेंटिनेंस ये बिलोंग करती है अंडमान निकोबार से। तो लास्ट के जो दो बच गए
ये कहां से बी विल बिलोंग करती है, ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो दो ट्राइब्स बच गई वो कहां से बिलोंग करती है। तो इसमें जुआंग जो ट्राइब्स है ये ट्राइब बिलोंग करती है उड़ीसा के, उड़ीसा से, यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये उड़ीसा की जनजाति है। और कोयास की बात करें तो ये लक्षद्वीप आइलैंड से बिलोंग करती है ये ट्राइब, ठीक है। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो आपका है वो है आपका आंसर बी। अभी क्या हो रहा है कि जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है हमारी कंट्री के अंदर, वहां जो ट्राइब पॉपुलेशन है, इनकी जो पॉपुलेशन है बार बार डिक्रीज होती जा रही है, और डिक्रीज होने की वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। और ये जो ट्राइब्स है ये काफी आजकल न्यूज में भी रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर आपका बी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू उर्दू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि उर्दू जो एक लैंग्वेज है इस लैंग्वेज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है आपके पास, सेकंड स्टेटमेंट ये है, और ये है आपके पास थर्ड स्टेटमेंट। तो इन तीनों ही स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो आइडेंटिफाई करना है उर्दू लैंग्वेज के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट डेवलप एंड फर्लिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत का जब टाइम पीरियड था उस टाइम उर्दू लैंग्वेज यानी कि जो उर्दू भाषा है इसका विकास हुआ और ये डेवलप हुआ प्रॉपरली इस पीरियड के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज वन ऑफ द लैंग्वेज मेंशन इन द एट शेड्यूल, एट शेड्यूल जो हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग इसे उस लिस्ट के अंदर डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यानी कि आप ये बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एट शेड्यूल के अंदर जितने भी लैंग्वेज हमारी कंट्री के अंदर मेंशन है शेड्यूल के अंदर उनमें से एक लैंग्वेज ये उर्दू लैंग्वेज भी है। और ऑप्शन थर्ड में आपसे, स्टेटमेंट थर्ड में आपसे बोला जा रहा है इट इज अ मेजर लैंग्वेज ऑफ साउथ एशिया, यानी कि साउथ एशिया जो रीजन है वर्ल्ड में, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट की अंदर बात करें तो साउथ एशिया जिसमें इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश म्यांमार ये जो पर्टिकुलर एरिया है इस एरिया में, ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान भी इंक्लूड कर सकते हैं आप, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया इस एरिया में उर्दू को सबसे ज्यादा बोला जाने वाला लैंग्वेज आप बोल सकते हो। तो ये तीन स्टेटमेंट है आपके पास, अब आपको ये बताना कि करेक्ट आंसर इसका क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसके आंसर की तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। डी का मतलब ये हुआ कि ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे पहले उर्दू लिटरेचर के बारे में ये बताऊंगा कि मुझे भी ये लैंग्वेज आती है और मैंने भी इसके ऊपर एक सर्टिफिकेट कोर्स भी किया हुआ है कि इसलिए मुझे ये लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है। जैसे अगर मुझे अपना नाम लिखना हो तो इस तरह से मैं अपना नाम इसके अंदर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। तो बाकी इसके बारे में डिटेल में अगर जानना चाहते हैं आप जान सकते हैं कि ये लैंग्वेज जो है जो दिल्ली सल्तनत पीरियड जो था उस टाइम ये लैंग्वेज डेवलप हुई थी हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि आप ये बोल सकते हैं 12th सेंचुरी से लेकर के 16th सेंचुरी के आसपास का जब एरा था उस टाइम उर्दू लिटरेचर का काफी अच्छे से डेवलपमेंट हुई थी। और 16th से लेकर 19th सेंचुरी तक का जो टाइम था उस टाइम यहाँ पे क्या होता था, कोर्ट पोइट रखा जाता था। कोर्ट पोइट का मतलब ये होता है कि दरबार में कवि रखा जाता था जो कि राजा महाराजा या बादशाह उनकी तारीफ किया करते थे। यानी कि आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया था कि भाई इस लैंग्वेज को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया एट शेड्यूल के अंदर। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि उर्दू जो लैंग्वेज ये बाहर से आई है, बल्कि ये बाहर की लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी कंट्री में जो पंजाब वाला जो रीजन है जो कुछ पोर्शन अब हमारी कंट्री में है इंडिया के अंदर और कुछ पोर्शन जो पंजाब में चला, पंजाब जो कि पाकिस्तान के अंदर है वो जो चला गया उस एरिया में ये डेवलप हो गई है। उर्दू के बारे में अगर हिस्ट्री थोड़ा बहुत अगर आप जानना चाहते हैं तो वो ये है कि उर्दू जब मुसलमान हमारी कंट्री में आए थे तो अरबी या फारसी बोला करते थे, लेकिन हमारी कंट्री में हिंदी बोला जाता था, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो उनको कम्युनिकेशन करने के लिए एक लैंग्वेज डेवलप की गई जो कि हमारी कंट्री में जो पंजाब और सिंध वाला जो एरिया है उस एरिया के जो लोग थे उन्होंने ये लैंग्वेज को डेवलप किया था, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं उर्दू कोई बाहर की लैंग्वेज नहीं बल्कि हमारी कंट्री में डेवलप हुई है, ठीक है, ये हमारी ही लैंग्वेज है, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी इसके अलावा कि 8th शेड्यूल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वहां पर इसे मेंशन किया गया हुआ है। और इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए कश्मीर तेलंगाना उत्तर प्रदेश बिहार न्यू दिल्ली यानी कि अपनी जो कैपिटल है
और वेस्ट बंगाल, ये जो कुछ स्टेट यूटी है जहां पे इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को ये मतलब उनकी काम करने वाली जो ऑफिशियल लैंग्वेज हो से उसके अंदर भी से डाला गया है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। तो थर्ड स्टेटमेंट में ये आपसे बोला गया कि भी साउथ एशिया वाला जो एरिया है जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, ये जो पर्टिकुलर जो रीजन है इस रीजन में इसे बहुत ज्यादा बोला जाता है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा आप ये बोल सकते हो कि साउथ एशिया का जो मुस्लिम डायस्पोरा है, जो वर्ल्ड वाइड जो अलग अलग जगह रहते हैं जिसके अंदर मिडल ईस्ट, गल्फ वाला एरिया हो गया, वेस्टर्न यूरोप हो गया, ठीक है, यूएसए, कनाडा और बाकी जो जगह है जहां पे इसके डायस्पोरा का मतलब होता है कि भी एक कंट्री को लोग जब दूसरी कंट्री में जाके जब सेटल होके रहते हैं उसे डायस्पोरा बोला जाता है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि साउथ एशिया में ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। बल्कि यूं है कि हिंदी को और उर्दू को अगर आप कंबाइंड कर दें, ठीक है, दोनों को अगर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को अगर कंबाइंड कर दें तो ये वर्ल्ड में थर्ड सबसे ज्यादा बोले जाने वाली कम्युनिटी बन जाती है। तो करेक्ट आंसर जो हो गया वो आपका ऑप्शन डी हो गया। डी का मतलब ये कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन रिसेंटली अकर्ड हुरिकेन लोरा और ओरिजिनेटेड। यानी कि अगर आपको हुरिकेन टर्म्स क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। और उसके बाद आगे जो आपसे पूछा जा रहा है कि हुरिकेन लोरा जो है उसके बारे में आपको बताना है कि ये टर्म है क्या चीज और ये किस पर्टिकुलर एरिया में जनरेट यानी ओरिजिनेट हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है कि नॉर्थ अंटार्कटिक ओशन जो है उस ओशन में ये पर्टिकुलर हुरिकेन लोरा ओरिजिनेट हुआ है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि साउथ अटलांटिक ओशन जो है उस पर्टिकुलर एरिया में ये जो हुरिकेन लोरा जो है ये ओरिजिनेट हुआ है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि पैसिफिक ओशन यानी कि एशिया का पर्टिकुलर वो एरिया जो कि ईस्ट की साइड अगर आप थोड़ा मूव करेंगे, यानी कि अगर मैं बात करूं जो जापान वाला जो एरिया, ठीक है, जापान और इधर जो यूएसए, इस पर्टिकुलर एरिया को पैसिफिक एरिया बोला जाता है। यानी कि जो पैसिफिक ओशन है उस पर्टिकुलर ओशन में ये ओरिजिनेट हुआ है ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का मतलब समझ लिए कि हमारी कंट्री है और उसके पास पास जितना जो नीचे का जो एरिया है उसे इंडियन ओशन बोला जाता है। तो आपको ये बताना है कि भी करेक्ट आंसर क्या है, ये हुरिकेन जो लोरा ये पर्टिकुलर कहां से ओरिजिनेट हुआ है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, सही ऑप्शन क्या है चलिए चूज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ए का मतलब ये हुआ कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है यानी कि आप ये बोल सकते हो कनाडा और यूएसए का जो पर्टिकुलर एरिया है उस एरिया में हुरिकेन लोरा ये ओरिजिनेट हुआ है। यानी कि आप ये अभी जो करंट लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका का जो सेंट्रल एरिया है उस एरिया में ये ओरिजिनेट हुआ है। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये तूफान आता है। यानी कि हमारी कंट्री में इस पर्टिकुलर जैसे हुरिकेन है इस टर्म को साइक्लोन बोला जाता है, लेकिन अगर हम बात करें कनाडा और यूएसए की बात करें उस एरिया में, या फिर आप कह सकते हो कि वेस्टर्न यूरोप वाला जो एरिया है, ठीक है, उस एरिया में इसे साइक्लोन ना बोल के हुरिकेन बोला जाता है। यानी कि अगर ये समझ सकते हो आपकी ये जो पर्टिकुलर आपको दिख रहा है ये यूएसए का एरिया है और ये जो पर्टिकुलर आपको ऊपर वाला जो एरिया दिख रहा है ये पर्टिकुलर एरिया ये कनाडा मान लीजिए, तो इस एरिया में यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इस एरिया में ये ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, अच्छा आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि जो साइक्लोन या हुरिकेन है इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो वो क्या क्या नाम है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, हिंट के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि भी साइक्लोन हमारी कंट्री के आसपास का एरिया को बोला जाता है, आप कनाडा के आसपास का एरिया समझ ही चुके हैं कि भी इस एरिया में इसे हुरिकेन बोला जा रहा है, हमारी कंट्री के आसपास इसे इसे साइक्लोन बोला जा रहा है, और कुछ पर्टिकुलर एरिया ऐसा भी है जहां इसे वेरी वेरी भी बोला जाता है, ठीक है, वैली वैली भी बोला जाता है। तो इस तरह से आपको ये बताना है कि वर्ल्ड वाइड इस पर्टिकुलर चीज को अलग अलग नाम से किस नाम से बुलाया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर वन रहेगा आज के लिए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर टू की बात करूं वो होगा आपके लिए कि जिस तरह से आपके लिए क्वेश्चन ये था कि भी जीएसटी हमने आज हमने डिस्कस किया, तो इसलिए आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री में जीएसटी डे कब सेलिब्रेट होता है इसके बारे में आपको बताना है। यानी कि आपको ये भी बताना है कि जीएसटी डे कब आता है हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और भी वीडियो देख करके आप रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, और जाते जाते ये कहूंगा अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो
तो लाइक जरूर कीजिएगा। स्क्रीन पे आपकी कुछ वीडियो आ रही है जिसे देखकर आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंच एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर।